जय छात्र, सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे सुपर टेट क्या है, सुपर टेट की मेरिट कैसे बनेगी, कितने गुणांक तक चयन होगा, कितने नंबर आपको लाने हैं, अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, SC ST हैं, EWS हैं, तो किस प्रकार से मेरिट बनेगी और आपको आपके जिले में कैसे नौकरी करनी है। सुपर टेट शिक्षक भर्ती जो परीक्षा, उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके सिलेबस में, इसके पैटर्न में, परीक्षा के जो प्रश्न होंगे कैसे आएंगे, कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि एक सरकारी शिक्षक शिक्षिका बनने का जो एक लंबा अंतराल है, लगभग आप पिछले 4 से 5 साल से एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। नए आयोग के हिसाब से कैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी, ये नया आयोग कैसे आपकी मेरिट बनाएगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहे, क्योंकि यह सीरीज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके हर एक बिंदु पर हम आपके साथ मिलकर विधिवत चर्चा करेंगे कि सुपर टेट क्या है, इसकी मेरिट कैसे बनेगी, कितने अंकों पर चयन होगा। एक एक करके सबसे पहले हम बताएं कि अफवाहों से पहली बात तो दूर रहिएगा और तथ्यों को समझने का प्रयास करिएगा। जो सुपर टेट 2023 होनी है, जी हाँ, अगर हम बात करें यस टेट जो 2023 की होनी है, यह एक नए आयोग के माध्यम से होगी। यह नया आयोग जो होगा, यह परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं कर रहा, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो तरीका, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कैसे मेरिट बनेगी, सबसे पहले उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले जान लीजिएगा, जैसे हम यहां पर बात करें तो ये आपका हो गया 10th 12th, और ये हो गया, अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब है, यहाँ पे आप चाहे BA हो, चाहे आप BSc हो, चाहे आप BCom हो या अन्य किसी कैटेगरी के हो, ठीक है। उसके बाद आपके बात करें तो BTC है, DLLD है, BEd है, तो यहां पर ये हो गए। तो ये चार तरह से जो इनके जो अंक होंगे, इनके अंकों का 10-10% माने, यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो ये प्रक्रिया आप जानते रहिएगा। हाई स्कूल के जो अंक आपके परसेंटेज होंगे उसका, जैसे मान लीजिए कोई यहां पर 84% पर, सपोज दैट अगर यहां पे कोई 84% पर, इसका 10% क्या होगा, 8.4, इसका क्या करेंगे, इसका 8.4 होगा। तो यहां पर इसको हम जान लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 8.4। माने यहां पर हम याद करेंगे जितनी आपकी बनेगी सभी 1 2 3 4, इन सभी के जो परसेंटेज, इनको पूरा जोड़ लीजिए, उनका क्या करिएगा 10%, उनका क्या निकाल दीजिएगा आप 10% निकाल दीजिए। तो जिसका 10% होगा वही आपकी क्या करेगी मेरिट, तो 10% है गुड़े क्या करेंगे 4, तो 4 गुड़ा कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 40%। तो जो 40% अंक है यह आपकी अकादमिक मेरिट होगी, यह आपकी अकेडमिक होगी। अकेडमिक अगर हम बात करें तो जो अकेडमिक आपकी है वो कक्षा 10 12वीं, 12वीं का मतलब क्या है 10th 12th, BA है, BSc है, BCom है, BSc एग्रीकल्चर है, और कुछ लोग का BBA है, जो भी आपका, कुछ लोग का BTech भी है, तो जो उसके इक्विवेलेंट जिनका कोर्स है, उसके बाद BTC है, DLLD है, BEd है, जो भी आपने किया है। अभी ये फैसला जब तक नहीं आता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि BEd बाहर हो जाएगा, तो देखिए जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी भी अफवाह से हम लोग को दूर रहना हो और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो BTC DLLD के लिए तो सेफ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो सुपर टेट के 150 नंबर का पेपर होगा, जहां पर एक बात के जरिए नकारात्मक अंक होगा तो नकारात्मक नहीं होगा। इस 150 अंक में अगर आप जैसे मान लीजिए 100 अंक लाते, सपोज दैट 100 अंक लाते, तो इसका जो 60% होगा, पहले तो उसको निकालेंगे, इसका जो परसेंटेज, इसका जो गुणांक निकलेगा 100 है, तो इसका मतलब इसका गुणांक कितना बनेगा 40 गुणांक बनेगा। अब देखिए गुणांक निकालने का जो तरीका वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मतलब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने 5 प्रश्न सही किए, अगर आपने 5 प्रश्न को सही कर लिया, तो आपके जो गुणांक बनेंगे वो 2 गुणांक बनेंगे। कितने बनेंगे 2 गुणांक बनेंगे। तो ये जो 40% है यही आपका वास्तव में क्या होगा गुणांक होगा, यही क्या होगा वास्तव में आपका गुणांक होगा। आइए मैं एक नए पेज पर इसको और अच्छे से आपको विधिवत तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों को और एक एक करके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हम क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको ये समझाना चाहें तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। ध्यान से अगर हम लोग को समझे तो जैसे आपने 10th का 10%, ठीक है, 12th की अगर हम बात करें, देखिए साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कलर जो ऐसा हमें चूज करना जैसे एकदम आपको साफ और स्पष्ट दिखाई दे। हम यहाँ पे देखिए रेड कलर चुनते हैं तो रेड दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा, अगर हम
ये भी नहीं दिखाई दे रहा आप एकदम साफ स्पष्ट आपको अगर दिखेगा, देखिए यहाँ व्हाइट है लेकिन व्हाइट नीचे कलर है, तो पहले हम व्हाइट पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका टेंथ होगा इससे जो गुणांक बनेगा इसके कितने होंगे 10%, इसकी जो अंक जो परसेंटेज होगा उसका 10%, अगर हम 12th की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 10%, और यहाँ पे अगर हम बात करें 12+3 इसका मतलब ग्रेजुएशन होगा, इसका मतलब क्या हो गया ग्रेजुएशन, जिसमें आपका हो जाएगा BA है, BSc है, BCom है, BBA है, या BTech, मतलब जो भी आपका होगा इसका भी क्या हो जाएगा 10%। फिर अगर आपने जैसे किसी ने BTC किया है या किसी ने DLED किया है या किसी ने BEd कर रखा है, इनके क्या हो जाएंगे 10%। तो ये जो 40% होगा, ये 40 ये आपका गुणांक होगा, ये आपका क्या होगा गुणांक, ये आपकी एकेडमिक गुणांक है। ये कैसी है, ये आपकी एकेडमिक गुणांक है जो आपके आने वाले परीक्षा में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला। उम्मीद करते यहां तक के तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे, ये 40 गुणांक का खेल क्या है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे कि नहीं गुणांक हट गया है, गुणांक नहीं होगा, तो एकदम कतई इस बात को लेकर आप परेशान ना हो, मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया है कि गुणांक आपको रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ही बताया कि जो जिसे क्या होती है बात समझिएगा, जो सरकारें आती हैं अपने हिसाब से नियमावली बनाती हैं, अपने हिसाब से भर्ती करती हैं, तो जो माननीय सरकार है वो अपनी नियमावली के तहत बात करे कि वो सुपर टेट एग्जाम कराकर ही नियुक्ति पत्र देना, क्योंकि वो पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना चाह रहे हैं। यहां पर आपके 40 गुणांक होंगे, फिर 60 गुणांक जो होंगे, 60 गुणांक ये आपके एमसीक्यू जो स्टेट का एग्जाम होगा उसके आधार पर होगा। तो ये 60 गुणांक जो होगा इसको कैसे निकालेंगे, याद रखिए अगर आपने 100 प्रश्न, अगर 150 नंबर में अगर आपने 100 प्रश्न स्टेट के प्राप्त किए हैं, किसमें स्टेट में माने सुपर टेट में, तो आपके जो गुणांक बनेंगे 40 गुणांक बनेंगे, क्या बनेंगे 40 गुणांक बनेंगे। अगर आपको सरल शब्दों में आपको समझाऊं, एकदम सरल शब्दों में अगर आपको मैं समझाना चाहूं, तो एकदम सरल शब्दों में ये मानिएगा कि जैसे अगर आपने 5 प्रश्न को सही कर लिया, अगर आपने 5 प्रश्न को सही कर लिया पूरी तरीके से, तो आपके कितने बनेंगे 2 गुणांक बनेंगे, कितने बनेंगे 2 गुणांक आपके बनेंगे। तो इस आधार पर 5 प्रश्न पे 2 गुणांक बनेंगे, अगर आपने 100 प्रश्न कर लिए तो कितने हो जाएंगे, 100 प्रश्न अगर आपने किए, कुछ नहीं इसमें गुणा कर दीजिए, अगर आपने गुणा किए यहाँ पे अगर 20 का गुणा कर रहे हैं कितने हो गए 100 प्रश्न, इसमें भी 20 का गुणा करिए कितने हो गए आपके 40 गुणांक। तो यही थियरी अगर आप याद करिए, अगर आपने 120 प्रश्न किए, 120 प्रश्न किए, जैसे यहाँ पे 5 प्रश्न है, 120 माने 5 से भाग 24 आएगा, तो 24 गुणा इसमें करिए, 24 गुणा इसमें कर दिए, तो आपका गुणांक निकालना एकदम आसान तरीका मैंने बता दिया कि जितने प्रश्न करना इतने गुणांक में गुणा करते रहिए आपका आ जाएगा एकदम फाइनल एकदम। ठीक है, तो आपको कितने अंक लाने मतलब किस कैटेगरी में है, कितने अंक लाना, पिछली कितनी मेरिट बनी थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहेंगे कि आप भी इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो क्लिक कर लीजिए। उम्मीद करते यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं गुणांक की, कितने गुणांक तक आपका चयन होगा। तो जो मेरिट बनी है एकदम याद रखिएगा कि 60 मतलब 40 एकेडमिक होगी आपकी, 40 आपकी एकेडमिक होगी प्लस 60 जो होगा यह आपका क्या होगा, यह 100 हो गया ना आपका, या इसी आधार पर आपका मेरिट बनना है। ये 40 एकेडमी होगी, ये 60 स्टेट होगा, 100 पर इसी पर आपका गुणांक बनेगा, कितने गुणांक लाएंगे आपका चयन हो जाएगा। इसमें भी कई कैटेगरी होगी, जनरल होगा, जनरल EWS होगा, OBC होगा, SC होगा, ST होगा, महिलाओं के क्षति आरक्षण लगते हैं उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि मेरिट बनने की प्रक्रिया क्या है। अब नई शिक्षक भर्ती जो नया आयोग है वो परीक्षा के पैटर्न में क्या बदलाव करेगा, कठिनाई स्तर कितना बढ़ेगा, उस दशा में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, इस पर भी हम क्रमवार रूप से बात करेंगे और एक एक तथ्यों पर बात करेंगे। अब देखिए जो गुणांक लाना है तो इसके पहले अगर 68,500 की बात करें तो 68,500 में लिखित परीक्षा थी, जितने लोग पास हो गए उनको नियुक्ति मिल गई, मतलब जितने पद थे उतने लोग भी पास नहीं हो पाए, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 1,35,000 लोग पास हुए। उसमें एक मेरिट प्रक्रिया बनाई गई जिसमें अगर देखा जाए तो 67 के ऊपर वाले लगभग को नौकरी मिल गई, 67-68 जिन्होंने ऊपर पाया था उन सबको नौकरी मिल गई। लेकिन जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है इसमें 2013-11 के बाद वाले भी ऐसे होंगे जो हाईस्कूल पास होंगे, जिनके अंक ज्यादा होंगे, मेरिट ज्यादा, मतलब अब जो नए बच्चे आ रहे उनके ना गुणांक ज्यादा, उनके एकेडमिक गुणांक काफी ज्यादा है, तो उनके लिए क्या होगी मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड जो होगा, यहाँ पे दो बातें जान लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ के बारे में पहले मैं बता दूं, तब कट ऑफ
जो आपकी कट ऑफ बनेगी, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये कट ऑफ जो होगी वो होगी 90-97 कट ऑफ होगी। तो 90-97 जो पास करेगा उसी की मेरिट की बात होगी। हो सकता है किसी का 34 गुणांक हो एकेडमिक, लेकिन सुपर टेट परीक्षा पास ही नहीं कर पाए, तो यहां पर उनकी बात होगी जो पास। अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट चाहते हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के व्हाट्सएप पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सभी नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के एकदम बेहतर नोट जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ प्रैक्टिस सेट नोट्स के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब 90-97 कट ऑफ है, तो 90-97 कट ऑफ को पार करने वाला उसी व्यक्ति को मेरिट में काउंट होगी। अगर उसके नीचे चाहे जो भी आएगा, अगर फेल है मतलब 90-97 नंबर जो कम पाया उसको फेल माना जाएगा, वह आगे की भर्ती परीक्षा में मेरिट्स से कोई मतलब नहीं, माने जो पास होकर आएंगे। अब उनके लिए मान के चलिएगा, अगर हम जनरल की बात करें, अगर हम जनरल की बात करें तो जो जनरल की बन सकती है वो 75 के नियर अबाउट बनेगी। मैं गुणांक की बात कर रहा हूं, अगर जनरल में अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस तो EWS जो होगा ये भी जो बहुत ज्यादा, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है इसलिए कटाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, एक लगभग मैं अनुमानित बता रहा हूं, ये एक अनुमानित आंकड़ा 73। अगर हम OBC की बात करें तो OBC में भी 73 के नियर अबाउट होगा, क्योंकि इसमें संख्या क्या होती है OBC बहुत ज्यादा होती है। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो जो SC कैटेगरी का कटाव जा सकता है वो आपका 70.2 मानकर चलिए, लेकिन जो ST कैटेगरी होगी, ST कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है, वो आपको ये मान चलिए 67.6 की एक नियर अबाउट कट ऑफ है, क्योंकि जो मैंने कट ऑफ 68-69 जाकर जारी किया था लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सेम कट ऑफ रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया था। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश में मुझे इस बारे में भी जानते होंगे। और एक्स सर्विस मैन अगर बात करें तो जो एक्स सर्विस मैन जो है उनकी अगर कट ऑफ की बात करें तो उनका जो कट ऑफ अगर पास हो जा रहा है तो वो 65+ अगर है तो उनको आसानी से नियुक्ति मिल जाएगी। इसमें PH जो होंगे उनके जो कैटेगरी मेरिट बनेगी, जो PH होंगे इसमें, तो अगर PH की अगर हम बात करें तो इनकी भी मेरिट जो होगी वो 71 के नियर अबाउट होगी, प्लस माइनस 1-2 होगा, इतनी लगभग मेरिट बननी है। लेकिन अगर आपको एक आंकड़ा लेकर चलना है कि जनरल आंकड़ा देखें कि लगभग में अगर आपको कितना प्राप्त करना, अगर नौकरी ये अनुमानित है, मतलब एक अगर पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कठिनाई स्तर बना रहता है तो इतनी ज्यादा संख्या है, क्योंकि 68-69 हजार में लगभग 4.5 लाख 3,85,000 लोग, लगभग 4 लाख लोग ने परीक्षा दी थी, 1,35,000 पास हुए थे, लेकिन आगामी भर्ती में 7-8 लाख लोग बैठने वाले हैं, जो आपकी आगामी भर्ती जिसकी आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, जो नए आयोग की बात कर रहे हैं वहां पर जिसका आंकड़ा होगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की संभावना, तो वहां पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह आपके लिए काफी अहम काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक चीज तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन आपको ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आपको गुणांक लाने हैं, गुणांक एकदम सुरक्षित गुणांक अगर हम बात करें तो 75 है। 75 अगर आप लाते हैं किसी भी कैटेगरी के हैं तो आप ये मानिए आप सुरक्षित हैं। अगर जनरल है इसमें मान लीजिएगा प्लस माइनस 1-2, अब प्लस माइनस 2 मतलब 1-2 गुणांक आगे पीछे आप लाते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसके बाद इसमें एक विशेष बात याद है कि आपको कितने अंक लाने हैं। जैसे मान लीजिए किसी का गुणांक 30 है, जैसे किसी का गुणांक कितने हैं 30 है, ठीक है, अब उसको कितने लाने हैं 75, तो 30 में से कितने कम उससे भी कितने लाने हैं 45। अब वो अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपको सही करने हैं। हमने बताया अगर 100 प्रश्न सही करेंगे तो 40 होगा, 5 प्रश्न को सही करने के लिए, 5 प्रश्न को 2 गुणांक है तो आपको 6 गुणांक लाने के लिए 15 प्रश्न सही करने होंगे, माने अगर आप 30 गुणांक हैं आपको 75 लाने हैं तो आपको 115 प्रश्न को सही करना है। अब एक आंकड़ा आपको मिलेगा, जैसे कोई कह रहा सर मेरे 28 गुणांक है, जैसे किसी ने कहा सर मेरे तो 28 गुणांक है, अब आपको कितने लाने हैं तो 75 में से पहले 28 को घटा दीजिए, जब 75 में से 28 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, जरा कमेंट करके बताइएगा, तब आपके यहां पे आ जाएंगे 47 गुणांक लाने के लिए क्या करना होगा। 40 गुणांक के 100 प्रश्न होते हैं तो आप जान लिए 100 प्रश्न, इस 7 गुणांक को पाने के लिए 2 × 8 माने 5 × 20, तो लगभग आपको कितने 120 प्रश्न, 118 से 20 प्रश्न करने, 28 गुणांक वाले अगर हैं तो आपको 120 प्रश्न जो है क्वेश्चन आपको करने हैं। तो
तो एक आंकड़ा रफली आपको मिल जा रहा होगा। अगर किसी के 25 है वो भी परेशान होगा, सर मेरे तो 25 है तो मुझे कितने लाने होंगे, इसको इन्हें लाने होंगे लगभग 50। एकदम सेफ गुणांक बता रहे, मतलब एक सुरक्षित गुणांक, एक अगर लगभग क्राइटेरिया रहेगा इतने मार्क को सिलेक्शन मिलना ही मिलना है। तो आप 25 है तो अब क्या होगा, यहाँ पे 50। अब 50 जो गुणांक लाना है उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब इसके लिए आपको 5, 2, 5, 10 का मतलब 25, आपको 125 प्रश्न आपको हल करने हैं अगर 25 गुणांक है आपके। तो अब एक सवाल आता है कि जिनके कम गुणांक हो डरते हैं सर मेरा सिलेक्शन क्या होगा। अब देखिए एकदम फैक्ट बात समझिएगा, जिनके ज्यादा गुणांक है जरूरी नहीं है कि वो आपको टेट पास हो, हो सकता कुछ टेट भी नहीं पास हो सकता जो टेट पास हो लेकिन वो सुपर टेट भी ना पास हो। इसके लिए डरने की बात नहीं है, बस एक आप माइंड सेट बनाकर चलिए कि आपको आने वाली परीक्षा में 115 प्लस करना है। अगर 115 प्लस करते हैं तो ये मान के चलिए एक सुरक्षित स्कोर माना जाता है जो आपको आने, क्योंकि आने वाले परीक्षा में पैटर्न बदल रहा है। अब कूट वाले सवाल, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप नोट्स पढ़िए, क्लास चार्ज इसकी पढ़िए, कि अगर एक बार नोट्स पढ़ लेंगे तो जो पूरा सिलेबस है एक बार कम समय आपका तैयार हो जाएगा। फिर जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो बहुत ज्यादा स्कोर करने की संभावना आपकी प्रबल हो जाएगी। जैसे मैं जनपद जौनपुर से हूं, अगर आप जौनपुर से होंगे तो आप शायद मुझसे जब भी चाहे तो मिल भी सकते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, और आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर, उस पर क्या कर सकते हैं आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब आपको जो एक तरीका समझ में आ गया कि कितने अंक पर कितने लाने हैं, जैसे कि 32 गुणांक है तो 32 वाले कितना लाना है उसके भी मन में आएगा, सर मेरा तो 32 है तो जो 32 है अब उसको कितना लाना है जरा कमेंट करके बताइएगा, 32 वाले कितना लाना है। अब यहां उसको लाना होगा 43। 43 का मतलब क्या है, 3 प्रश्न है, तो यहां पर 40 प्रश्न के 100 प्रश्न हो गए, तो 100 हो गए, 100 3 गुणांक लाने के लिए लगभग 5, अगर बात किया जाए तो 5, 2, 10, 2, 12 प्रश्न, मतलब 112 प्रश्न। तो ये सेफ गुणांक है, मतलब अगर इतना आप लाते हैं तो ये मान के चलेगा आप सेफ। जनरल के लिए मैं बता रहा हूं, जो जनरल के अभ्यर्थी हैं, अगर आप ओबीसी हैं एससी हैं तो थोड़ा इसको अप डाउन मान के चल सकते हैं, मतलब 2 गुणांक माने 5 से 10 प्रश्न आप सेफ मान के चल सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि जो जनरल की कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो अगर 115 प्लस या यूं मान लें 118 प्लस अगर करते हैं तो एकदम सेफ है। अगर आप आरक्षित व्यक्ति हैं जैसे ओबीसी हैं एससी हैं एसटी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कम, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस लगभग ओबीसी की लगभग समान मेरिट जा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर कठिन हुआ तो और कम मेरिट पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जब पेपर जितना कठिन होगा तो कठिन में क्या होगा, देखिए जब कठिन होगा तो ज्यादातर लोग फेल होंगे, हो सकता है ज्यादा गुणांक वाले भी फेल हो, तो जब ज्यादा गुणांक वाले फेल हो जाएंगे तो जो कठिनाई स्तर है उसकी वजह से फ्रेश अभ्यर्थियों का ज्यादा चयन होगा। और लगभग पद की बात की जाए तो यह माना जा रहा है 50,000 प्लस कुछ जोड़कर 17,000, कई बार अलग अलग आंकड़े आ रहे लेकिन ये मान चलिए लगभग 50,000 के नियर अबाउट आपके पद आएंगे, 70-63 के लगभग हो सकते हैं और 10-5,000 कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर इतने पद आ रहे हैं तो हो सकता है 2 गुणांक आपके और कम आ जाए, लेकिन अपना टारगेट अगर 115 प्लस लेकर चल रहे हैं तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। अभी आपके पास समय, अगर आप टेट सीटेट पास हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टेट के 1/4 जोड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि टेट के 1/4 अंक जोड़ेंगे, तो कतई सही नहीं है, ये मान लीजिएगा पूरी तरह से फर्जी अफवाह है। नया आयोग इसलिए बन रहा है ताकि परीक्षा में पारदर्शिता रहे, क्योंकि आपने देखा है कि प्रश्नों को लेकर 150 प्रश्न जो आयोग बनाता है उसमें भी तमाम गलतियां हो जाती है। तो अब चाहती है, माननीय सरकार भी चाहती है कि ऐसी गलतियां ना हो। आपने देखा उत्तर कुंजी को भी चैलेंज किया गया, अब याची लाभ भी दिया गया एक नंबर 69,000 में। तो कई बार ऐसा होता है कि टेट में भी सवाल गलत पूछे जाते हैं, इसके लिए फिर पेपर भी आउट हो गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला भी सही है कि अगर आयोग बन जाएगा तो समय समय पर परीक्षाएं भी होंगी और समय समय पर रिजल्ट आएगा और चीजें तेजी से होंगी, पारदर्शी तरीके से हो पाएंगी। इसके लिए नए आयोग की बात की गई, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसके बाद एक वीडियो बना देंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज पढ़ना है, किसका क्या वीक है, कैसे कैसे 115-118 तक हमें स्कोर करना है, माने एक अनुमान की बात करें तो 120 के लगभग हमें स्कोर कैसे करना है, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, जी हाँ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाएंगे तो सभी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, घर बैठे भी नोट्स मिल जाएंगे, मेरी ऑनलाइन क्लास भी है जहां पर आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई क्लास ऑनलाइन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप जौनपुर से हैं तो एक नंबर और मैं आपको लिख दे रहा हूं, 73-98-88-3002, यह जनपद जौनपुर के हैं, यहां से भी आपको कोई भी जरूरत मदद होगी यहां से आपको मिल जाएगी। इन नंबरों को आप याद रखिएगा, कमेंट करके रखिएगा, कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, एकदम पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न, जरूर
पूछेगा। लेकिन इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, जो पीटीसी बीएड डीएलएड कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, जिनको डर है कि हम कैसे तैयारी करें, कितनी मेरिट जाएगी, कैसे गुणांक बनेगा, कितने अंक लाने हैं। तो एकदम सेपरेट तरीके से मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं है तो उसकी भी मैं वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक 75 मैं बार बार कहूंगा, 75 अगर आप एक रेशियो लेकर चलेंगे तो फिर परीक्षा में आपको चैन से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको अब की बार एक सीट हमारे को जो सपना है वो पूरी तरह से साकार होगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिएगा, फेसबुक पर पोस्ट करिएगा, ताकि सभी व्यक्तियों का जो भ्रम है दूर हो जाए। 1/4 अंक नहीं जुड़ेंगे, कठिनाई स्तर बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। जितना प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे उतना सिलेक्शन के आप और करीब पहुंचेंगे। तो मेरिट कैसे बनेगी मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बता दिया आपको, कैसे कितने गुणांक पर चयन होगा। सुपर टेट क्या, क्योंकि सुपर टेट क्या है, पहले जो परीक्षा होती थी केवल टेट आधार पर होती थी। सन 2011 के अगर हम बात बताएं, सन 2011 में के बाद से टेट को अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि बिना टेट के आप सरकारी शिक्षक नहीं बन सकते। तो पहले टेट पर होती थी, अलग अलग सरकारें अलग अलग नियमावली के आधार पर बनाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका एक सपना है कि उत्तर प्रदेश में हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम अभ्यर्थियों के उनके योग्यता के आधार पर चयन। इसलिए एक और परीक्षा होगी जिसे शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से जानते हैं, आम अभ्यर्थी सुपर टेट के नाम से पुकारते हैं। सुपर टेट कोई है नहीं, इसे बुलाया जाता है, वास्तव में इसका नाम है शिक्षक भर्ती परीक्षा। बेसिक शिक्षा भर्ती जो होती है उसी की ये शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, जो अब एक नए आयोग के माध्यम से आपकी होने वाली। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, हमारी क्लासेस भी आपके लिए आ रही हैं, जो आप 21 तारीख से शुरू होने वाली है, 21 तारीख से शुरू होंगी, आप जुड़ सकते हैं। अब वो उसके लिए आप यहाँ पे जो नंबर दिया था मैंने, उस पर बात करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और ई लर्निंग भी इसका ऐप इंस्टॉल करेंगे, पीडीएफ नोट्स पूरा मिल जाएगी, करंट के साथ साथ सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे, अच्छा एक वीडियो में बना दूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या चीजें नहीं करना है, उस पर भी क्या क्या आपको फोकस करना है, उस पर भी मैं आपको चर्चा कर दूंगा। अगर आप को कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्तिगत सवाल आपका, कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का इंस्टाग्राम पे जाइएगा, आप अपने सवाल वहां पे पूछ सकते हैं। और फेसबुक पर अगर देख रहे वीडियो को तो शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश के पेज को भी फॉलो करके रखिएगा, ताकि कोई भी सूचना, कोई भी न्यूज आपको पहले मिले। और डेली क्लास के लिए, जैसे कुछ लोग को चाहते हैं कि उनको प्रैक्टिस चाहिए, तो वो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो टेलीग्राम पर सभी वीडियो की, सभी क्लास की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है, कौन सी क्लास चल रही है, कौन सा नोट्स है, कौन सी प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगी। मेरी क्लासेस हमेशा आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय मिल जाएंगी, और हम चाहते हैं आपके सरकारी शिक्षक बनने का सपना साकार हो। कोशिश करिएगा अफवाहों से दूर रहिएगा, क्योंकि अफवाहों पे प्रायः लोग परेशान रहते हैं, क्या होगा, क्या जुड़ेगा, क्या घटेगा। देखिए जो भी भर्ती होती है निमौली से होती है, किसी कहने पर नहीं। कुछ लोग पुरानी पीडीएफ को वायरल कर रहे हैं, 1/4 जुड़ेगा। देखिए जो भी जीओ होता है गवर्नमेंट का, उसी आधार पर भर्ती होती है, मेरे आपके कहने पर नहीं होती। जो लोग वायरल करें क्या उस पर कहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट का है, या कहीं कुछ ऐसा लिखा है कि किसी अधिकारी का सिग्नेचर, ऐसा कुछ नहीं है, फेक फर्जी। आप देख तो आए दिन ऐसे खबरें चलती रहती, ऐसे खबरों को अवॉइड करिएगा और बेहतर रहते रहेगा। हम आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है। अब समय आ गया है कि उल्टी गिनती शुरू है अपना बेहतर, अपना बेस्ट देने की। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे और अपनी मेहनत को और आगे कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि नए भी आ रहे हैं। और वीडियो को सभी को शेयर करिएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया उनको भी समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। कोई सवाल हो कमेंट करिएगा, ठीक है, थैंक यू।